स्वागत है आप सभी का हमारे एक नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं वैदिक मैथमेटिक्स के कुछ स्पेशल ट्रिक्स, जिनका इस्तेमाल करके हम मल्टीप्लिकेशन को काफी इजी बना सकते हैं। हमारी पहली ट्रिक जो है, यह केवल उन नंबर्स के लिए होगी जिनका हमें 5 से मल्टीप्लाई करना होता है। सबसे पहले हम इवन नंबर्स की ट्रिक को देखेंगे। जैसे 3264 को हमें 5 से मल्टीप्लाई करवाना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं 3264 को 2 से डिवाइड करवा दूंगा। तब जो मेरा आंसर आएगा वह होगा 1632। और अब जो मेरा आंसर आया है, मैं उसके लास्ट में एक जीरो और ऐड कर दूंगा, तो मेरा आंसर बनेगा 16320। राइट, अब बात करते हैं हम ओड नंबर की। जैसे 1551 को 5 से मल्टीप्लाई करवाना है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि 1551 में से -1 कर दूंगा, और जो मेरा आंसर आएगा मैं उसको 2 से डिवाइड करवा दूंगा। अब क्योंकि यह एक ओड नंबर है, तो हम इस बार इस नंबर के लास्ट में 0 की बजाय 5 को लिख देंगे, तो हमारा आंसर हो जाएगा 7755। हमारी अगली जो ट्रिक है वो 2 डिजिट पर अप्लीकेबल होती है, जिनको हमें 11 से मल्टीप्लाई करवाना होता है। जैसे हमें 43 को मल्टीप्लाई 11 से करवाना है, तो हमें क्या करना होगा, हम सबसे पहले 4 और 3 को थोड़ा अलग अलग करके कुछ इस प्रकार से लिख देंगे, और उनके बीच में 4 प्लस 3 का जो सम होता है उसको लिख देंगे, यानी तब हमारा आंसर बन जाएगा 473। यानी हमें किसी भी 2 डिजिट नंबर को मल्टीप्लाई करवाना है 11 से, तो हम इस ट्रिक का यूज करके बड़ी ही आसानी से मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। हमारी नेक्स्ट ट्रिक का यूज करके हम किसी भी 2 डिजिट नंबर को 111 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, वह भी कुछ सेकंड्स में। जैसे हमें 32 को 111 से मल्टीप्लाई करवाना है, तो सबसे पहले हम 3 और 2 को अलग अलग करके लिख देंगे कुछ इस तरीके से, और उनके बीच में हम 3 प्लस 2 के सम को 2 बार करके लिखेंगे, यानी 55। तो ऐसे में हमारा आंसर आ जाएगा 3552। चलिए एक और एग्जांपल लेकर 111 से मल्टीप्लाई करके मैं आपको दिखाता हूँ। इस बार थोड़ा ध्यान से समझिएगा। जब हम 37 को 111 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो सबसे पहले हम 3 और 7 को कुछ अलग अलग करके लिख लेंगे कुछ इस तरीके से, और उसके बाद 3 प्लस 7 के सम को 2 बार यहाँ पर लिख लेंगे, जो कि आएगा 10 और 10। अब इस बार थोड़ा ध्यान दीजिए। अब मैं क्या करूंगा, यह जो आपका 10 है, इसमें से इस 0 को यही लिखा रहने दूंगा, और इसकी 1 कैरी को अगले 10 में ऐड कर दूंगा, तो ये 10 हो जाएगा आपका 11। अब मैं इस 11 में से इस 1 को यही रखूंगा, जबकि इस अगले 1 को कैरी के तौर पर ऐड कर दूंगा आपके इस 3 में, तो ये हो जाएगा 4, और फाइनली हमारा आंसर हमें मिल जाएगा 4107। आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक करके हमें फीडबैक भी दे सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।